हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन आपका होने वाला है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत ज़्यादा बच्चों का यही डर रहता है कि मैम, इंटरव्यू की डर से एकदम कॉन्फिडेंस चला जाता है, लगता है जैसे जो भी कुछ पढ़ा हुआ है अब तो वो भी याद नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, KVSPRT इंटरव्यू का काफ़ी सारा मटेरियल हम उस पर शेयर करते हैं, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि अगर आपकी कई बार परफेक्ट तैयारी भी होती है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि बढ़िया तैयारी कर ली है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू के रूम में एंट्री करी तो कॉन्फिडेंस लो, और जैसे ही कॉन्फिडेंस लो हुआ तो समझ लीजिए आपकी परफॉर्मेंस को वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ना ही तो आप लो कॉन्फिडेंस के चलते अपने स्किल्स को अच्छे से दिखा पाते हैं, और ना ही आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि उस टाइम पर आप कॉन्फिडेंट बने रहे। अब ये तो है कि भाई डर सबको लगता है और डर के आगे जीत भी है, तो चलिए फिर उन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं कि कैसे आप अभी, क्योंकि टाइम है तो आप धीरे धीरे करके अपने आप को उस पॉइंट पर ले आएंगे कि जहां आपको डर कम लगेगा। लगेगा लाजमी है, लेकिन कम लगेगा, आपको ये नहीं होगा कि अब क्या। सबसे पहला है प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको जो भी लगता है कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको एक बार देख लो। ठीक है, कि अगर यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं भी ऑलरेडी प्रोवाइड करती हूँ और किए भी हुए हैं, उनको एक बार देख लो कि अगर नया क्वेश्चन आपके सामने उसमें से कुछ आता है तो आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो बता पाए। ठीक है, वो ज़्यादा सही है। तो आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ। डेमो प्रिपेयर करके रखिए पहले से ही, तो वहां भी वो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम करेगा कि भाई एक चीज तो मेरी पक्की है, बाकी चाहे कुछ हो जाओ इंटरव्यू में, लेकिन डेमो तो मैं खराब नहीं करूंगा। ठीक है, करूंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आपको प्रैक्टिस इंटरव्यू विद योर फैमिली, जैसे जिसको आप मॉक इंटरव्यू बोलते हैं। जरूरी नहीं है आप मॉक देने बाहर जाए या किसी और टीचर की आपको आवश्यकता पड़े, नहीं, आप अपनी फैमिली के सामने भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। उनको बिठाइए, उनके सामने ही डेमो प्रेजेंट करिए और उनको बोलिए आपकी फैमिली में जो भी पढ़ा लिखा अच्छा है, जो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उसको क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर दे दीजिए और बोलिए कि आप उनसे कुछ पूछिए और मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे बिठाइए और कोशिश करिए बोलने की, क्योंकि वहाँ भी आप उतना ही घबराने वाले हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के आगे, जो आप सोच रहे हैं कि किसी और के सामने मॉक इंटरव्यू को दे करके आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी। तो ये काम आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको उतने ही ये चीज़ें हेल्प करेगी जितना आप कहीं और इंटरव्यू देने जाएंगे या मॉक देने जाएंगे उतना है। ठीक है, सो प्रैक्टिस विद योर फैमिली। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव माइंडसेट। ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आपने पहले ही ये सोच लिया कि भाई मेरा तो नहीं होगा, मैं तो गया काम से, ठीक है, अब इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा, तो अगर ये चीज़ आपके दिमाग में पहले ही आ रही है तो यकीन मानिए ये आपके कॉन्फिडेंस को कम 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 बिल्कुल ज़ीरो कर ले आएगी। आप पहले ही सोच कर रखिए कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा और मेरे इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आप ये चीज़ें अपने मन में खुद से बोलेंगे तो आपको अपने आप पर विश्वास होगा। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो पॉजिटिव माइंडसेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घबराते सब है, लेकिन ये अपने आप से नेगेटिव बातें करना आपको और गड्ढे की तरफ धकेलता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर कम्युनिकेशन। आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, यानी आप वहाँ पर जब इंटरव्यू देने जाते हैं आप कैसे बैठ रहे हैं, वो भी आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। अब ये नहीं आप अंदर से तो पूरे कॉन्फिडेंस है लेकिन बाहर से दिख भी नहीं रहा है,
ना, वहां पर भी तो आपको नोटिस किया जाता है कि आप बैठे कैसे हैं, ठीक है, आपके हाथ पैर तो नहीं कांप रहे, कहीं पैरों को ऐसे क्रॉस करके तो नहीं बैठे, हाथों को ऐसे जबरदस्ती भींच तो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, और जब खड़े हो तो सीधे खड़े हो, ऐसे कमर झुका के बिल्कुल नहीं खड़ा होना है, ठीक है। तो इन अगर आप बॉडी पोस्चर का भी ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर दिखेगा, ठीक है, सामने वाले को भी। आगे आ जाता है हैंडलिंग नर्वसनेस, ये सबसे जरूरी आपको समझना है समय पर, कि कई बार हो जाता है कि हम जैसे ही हमारा टर्न आया इंटरव्यू के लिए हम बहुत ज्यादा नर्वस फील कर जाते हैं, और नर्वसनेस की वजह से ही फिर कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। तो अगर ऐसा हो बाय चांस कि भाई बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, गला सूख रहा है बार बार, सो आपको एक बार रूम में एंटर करने से पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। लंबी सांस लीजिए और रोक कर फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़िए, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क सब शांत हो जाएगा और आप फिर एक मुस्कुराहट के साथ एंटर करिएगा रूम में, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो ये कुछ टिप्स थे, अगर आप इन पर वर्क करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा, और अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो भी आप उसमें ओवरकम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपका कोई और भी इसके अलावा क्वेश्चन है तो ज़रूर लिख भेजिएगा, आपको उस पर ज़रूर मदद करी जाएगी। धन्यवाद।